हाँ हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पारसनाथ भूगोल ज्योग्राफी विषय के शिक्षक एवं लेखक। मेरे द्वारा भूगोल की 3 बुक लिखी गई है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भूगोल समान अध्ययन। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामना, धन्यवाद। देखेंगे कि इस साल ज्योग्राफी विषय का बेहतर रिजल्ट हुआ है 64 बीपीएससी में और काफ़ी लोग पास किए हुए हैं। और इसी रणनीति को लेकर के कोरोना पीरियड में आप घर बैठे हुए हैं, आपकी तैयारी मैं जानता हूं, आप अपने आप कर रहे होंगे, शिक्षक का मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं कि आपको घर बैठे शिक्षक का मदद मिलेगा। ज्योग्राफी का ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास आपको हम उपलब्ध कराएंगे। अभी तक मैं 56 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। आज से मैं 57 वीडियो से शुरू करूंगा। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में अभी पढ़ा रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूं और बिहार भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में 4 चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, 5वां चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। और वीडियो जो है मोबीशाला ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आप ज्योग्राफी की रणनीति अच्छे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा अंक आएगा। देखेंगे कि ज्योग्राफी से भी हमारे संस्थान से काफ़ी स्टूडेंट पास किए हुए हैं और अभी एग्ज़ाम आपका 66 है। फिर आप देखेंगे 67 का पीटी आने वाला है, उसमें भी आपको ऑप्शनल रखना होगा, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल रख सकते हैं। और मेरे द्वारा जो है अभी क्लास, वीडियो क्लास शुरू किया गया है, बाद में लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। और साथ ही आप देखेंगे अगर 1 जुलाई को अगर क्लास खुलता है तो ऑफलाइन भी क्लास शुरू हो जाएगा, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल आकर पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। इसमें सबसे जरूरी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मैपिंग करना सबसे ज़रूरी है। अगर मैप अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता कम मिलेगी, आपको अंक कम आएंगे। अच्छा मैप बनाते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक अंक आएंगे। आजकल देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, ए बी करके पूछता है जो क्वेश्चन, ए बी क्वेश्चन में समय अधिक लगता है लिखने में, तो उतना आंसर अब पूछ देता है थॉर्थवेट पोपेन का क्लासिफिकेशन इतना बड़ा है, उसको आप 3 पेज में कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ाया हूँ, मोबीशाला ऐप पर क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कितना छोटा कॉन्साइज करके लिखेंगे अब, वो पहले वाली बात नहीं है कि 6 पेज 7 पेज भर देंगे, अब 3 पेज में आपको आंसर लिखना है। हाँ उसी 3 पेज में, क्योंकि 2 क्वेश्चन लिखना है ए बी करके 25-25 नंबर का, आप 50 नंबर का, 25-25 दुना 50, तो 3-3 पेज लिखेंगे 6 पेज, तो आपको उस उत्तर का लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ देता है 25 नंबर में, तब तो आपको उस तरह से आंसर को तैयार करना होगा। आंकड़े, नए आंकड़े देना होगा, इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़े, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो भी पढ़ रहे हैं सब न्यू आंकड़े देना होगा, तो आप देखेंगे कि बेहतर कर सकते हैं ज्योग्राफी में। तो मैं ज्योग्राफी का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, मोबीशाला ऐप से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप एडमिशन ले लेंगे, इंस्टीट्यूट से ले लेंगे, इसमें आपको इंस्टीट्यूट से लेंगे, निश्चित तौर पर आपको नोट्स फ्री दिया जाएगा, टेस्ट फ्री रहेगा और आप जो है तैयारी करना शुरू कर दें। आज वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।